और मनीष, इसी यही बताया जा रहा है कि ये यही रास्ता है पीसफुल सल्यूशन के लिए, कि अगर जंग खत्म करनी है तो ये रास्ता अपनाना होगा, पीस प्लान रखना होगा। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से की युद्ध रोकने पर चर्चा। देखिए बड़ी बातें क्या है, जब जेलेंस्की से बात की गई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तो क्या बड़ी बात हुई, बड़ी बात युद्ध रोक कर बात करें, युद्ध रोक कर बात करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। यूक्रेन को मानवीय सहायता जारी रहेगी, ये भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, यानी भारत मानवीय सहायता ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के जरिए ये जारी रखेगा मदद, लेकिन साथ ही युद्ध रोक कर बात करने की जरूरत है, नेगोशिएशन की जरूरत है, इस बात को याद दिलाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और आइए जरा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से क्या कहा है। एक तरफ वो व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी करते हैं बात। मोदी का जेलेंस्की को शांति मंत्र क्या रहा, जेलेंस्की से क्या बातचीत हुई, पूरी डिटेल अब आपके सामने। फोन पर बात हुई है, यूक्रेन से मजबूत साझेदारी पर चर्चा की है पीएम मोदी ने। जंग जल्द खत्म करने का समर्थक है भारत, ये बात बताई गई, समर्थन करता है भारत की कोशिशों के बारे में भी बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेलेंस्की को, और सीधे तौर पर कहा गया कि भारत शांति का पक्षधर है, जल्द जंग रोके यूक्रेन और बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। जेलेंस्की की तरफ से भी ये नसीहत भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई और कहा गया कि कूटनीति के जरिए यूक्रेन आगे बढ़ सकता है और यूक्रेन को, क्योंकि जाहिर है इस वक्त मानवीय सहायता की जरूरत है, तो भारत की तरफ से मानवीय सहायता यूक्रेन को जारी रहेगी, ये भी कमिटमेंट दोहराया गया। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जेलेंस्की ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी से, तो ये भी जान लीजिए, उन्होंने भारत से संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की है, ये कही है बात, यूक्रेन के पक्ष का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा भी किया है प्रधानमंत्री मोदी को, मानवीय सहायता के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया गया है, भारतीय छात्रों का यूक्रेन फिर स्वागत करना चाहता है, जो भारतीय छात्र निकल गए थे उनका स्वागत फिर से करना चाहता है, इस बारे में जोर दिया गया, यानी यूक्रेन चाहता है कि समर्थन भारत के साथ बना रहे। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर। योगेश जी, ये जानकार भी कहते हैं कि ये मादा प्रधानमंत्री मोदी नहीं है कि वो विरोधियों और समर्थकों को साध कर चलते हैं, और ये कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत की, क्योंकि जेलेंस्की की ओर से इस बात का समर्थन किया गया है कि जो छात्र हमारे पास से चले गए थे उनका स्वागत है फिर से, तो क्या भारत के पास ये पीस प्लान है मध्यस्थता का अगर आगे बात बढ़ी? देखिए नीति जी, ऐसा है कि कुछ खबरें आ रही है कि स्विट्जरलैंड जो है एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है यूक्रेन के ऊपर गर्मियों में, तो उसमें स्विट्जरलैंड बहुत कीन है कि भारत जो है वो पार्टिसिपेट करे, उन्होंने चाइना वगैरह को ही बुलाया है, लेकिन भारत का रोल देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत के दोनों पक्षों के साथ, रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, बहुत अच्छे संबंध हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन के मुकाबले में अमेरिका के साथ जो है भारत के रिश्ते बहुत क्लोज है, बहुत घने हैं, जबकि चीन जो है चीन को वो अपना एक कॉम्पिटिटर या एक अपना एडवर्सरी समझते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त ये है कि पिछले साल जो है अब तक लड़ाई में थोड़ा स्टेलमेट सा हो गया है, मतलब कोई खास प्रोग्रेस जो है वो दोनों साइड नहीं कर पा रही है। उसके अलावा तीसरी बात यह कि सब तरफ जो है, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो या अमेरिका हो, थोड़ा बहुत यूरोप हो, सब लोग थके हुए से लगते हैं, लोग लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब इस लड़ाई में से कुछ निकल नहीं रहा है, तो अब इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन जो है निकलना चाहिए। उसके अलावा ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो जो है कोई भी असिस्टेंस जो है यूक्रेन को देने के पक्ष में नहीं है। तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए जो है इस वक्त शांति की संभावना थोड़ा बढ़ गई है, और इसमें जो है भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है चाइना के मुकाबले में। तो ये देखते हुए जो है दोनों, रूस और यूक्रेन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो मीडिएशन चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा ओमन है।